और सबकी वोट की ताकत भी बराबर है। तो मैं एक तो सभी हमारे दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना करूंगा, खासकर जिन्होंने पिछली बार वोट नहीं डाला था, कि वो जरूर अपने घर से निकले। आज हमारा रविवार का दिन है तो आज हमारी छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल घर पर ही रहें। हम सबसे पहले अपना मतदान करें, उसके बाद में जलपान करें, और सारे दिल्ली वासी एक अच्छी सरकार को चुने, मैं ऐसी अपील करता हूँ। सर, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है एनसीडी में, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो गोवा में, उत्तरांचल में, यूपी में हर जगह दावा किया था, वो तो गुजरात में भी दावा कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे गुजरात में एक भी सीट वो नहीं जीतेंगे। फ्री के चक्करों में ना आके हकीकत को देखिए, पानी को देखिए, पॉल्यूशन को देखिए, स्कूल्स की हालत को देखिए, हॉस्पिटल्स को देखिए, अपने बच्चों के, और सबकी वोट की ताकत भी बराबर है। तो मैं एक तो सभी हमारे दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना करूंगा, खासकर जिन्होंने पिछली बार वोट नहीं डाला था, कि वो जरूर अपने घर से निकले। आज हमारा रविवार का दिन है तो आज हमारी छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल घर पर ही रहें। हम सबसे पहले अपना मतदान करें, उसके बाद में जलपान करें, और सारे दिल्ली वासी एक अच्छी सरकार को चुने, मैं ऐसी अपील करता हूँ। सर, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है एनसीडी में, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो गोवा में, उत्तरांचल में, यूपी में हर जगह दावा किया था, वो तो गुजरात में भी दावा कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे गुजरात में एक भी सीट वो नहीं जीतेंगे। फ्री के चक्करों में ना आके हकीकत को देखिए, पानी को देखिए, पॉल्यूशन को देखिए, स्कूल्स की हालत को देखिए, हॉस्पिटल्स को देखिए, अपने बच्चों के, और सबकी वोट की ताकत भी बराबर है। तो मैं एक तो सभी हमारे दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना करूंगा, खासकर जिन्होंने पिछली बार वोट नहीं डाला था, कि वो जरूर अपने घर से निकले। आज हमारा रविवार का दिन है तो आज हमारी छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल घर पर ही रहें। हम सबसे पहले अपना मतदान करें, उसके बाद में जलपान करें, और सारे दिल्ली वासी एक अच्छी सरकार को चुने, मैं ऐसी अपील करता हूँ। सर, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है एनसीडी में, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो गोवा में, उत्तरांचल में, यूपी में हर जगह दावा किया था, वो तो गुजरात में भी दावा कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे गुजरात में एक भी सीट वो नहीं जीतेंगे। फ्री के चक्करों में ना आके हकीकत को देखिए, पानी को देखिए, पॉल्यूशन को देखिए, स्कूल्स की हालत को देखिए, हॉस्पिटल्स को देखिए, अपने बच्चों के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।